got introductory, standard 3, subject Hindi, revision 2. हम यूनिट टेस्ट 1 का रिवीजन 2 का अभ्यास करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2A. नीचे दिए गए शब्दों को ए की मात्रा या अ की मात्रा लगाकर पूरा कीजिए. यहां पर आपको नीचे शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको ए की या अ की, ए मात्रा एक मात्रा, दो अ मतलब दो मात्रा, यह आपको कौन से शब्द पे कौन सी मात्रा लगेगी यह आपको ध्यान रखना है और वो शब्द मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना है. चलिए बच्चों, पहला है द ल, द ल. अब यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, ए की या आई की? यहाँ पे लगेगी ए की मात्रा, तो लगेगी त पे हम ए की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा ते ल, तल ते, तल ते. दूसरा शब्द है द र, तो उसमें हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ऐ की मात्रा. कौन सी लगेगी ऐ की मात्रा, त र, त पे हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा ते र, त ते, त ते. आगे है क ला, यहाँ पे हम क पे ए की मात्रा लगाएंगे, यह की ए की मात्रा है, यह हम क के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा के ला, क ला के ला, क ला के ला. आगे है स ब, स. अब स पे हम मात्रा लगाएंगे, कौन सी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा, और शब्द बनेगा से ब, स से, स से. और आगे प ड, प ड, उसमें हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा, ए की मात्रा, प के ऊपर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा पेड़, और पेड़, और पेड़. प सा, प सा. अब यहाँ पे प पे हम कौन सी मात्रा यूज करेंगे, ऐ की मात्रा, यह ऐ की मात्रा है और हम उसको प पे लगाएंगे तो शब्द बनेगा पैसा, पैसा, पैसा. तल ते, तल तैर, कला केला, स सेब, पर पेड़, पैसा, पैसा. अब आगे है क सा, यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, क पे हम ऐ की मात्रा उपयोग करेंगे तो शब्द बनेगा कैसा, कसा, कैसा, कसा, कैसा. ब ठ, शब्द बनेगा बैठ, बर बैठ, ब पे हम ऐ की मात्रा लगाएंगे. ब र, अब ब पे हम ऐ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा बै, बर बै, बर बै. आगे है प द ल, प पे हम ऐ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा पैदल, पदल पैदल, पदल पैदल. यहाँ पे है म ज, म पे हम ए की मात्रा लगाएंगे, यह ए की मात्रा है वह हम म पे ऊपर लगाएंगे और शब्द बनेगा मेज, मच, मेच. जब भी हम उसको मात्रा लगाएंगे तो उसका प्रोनाउंस अलग हो जाएगा, मच, मेच. आगे है म दान, अब म पे हम कौन सी मात्रा उपयोग करेंगे, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा मैदान, 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 मैदान.
गौराश कॉपेटम ऐ की मात्रा उपयोग करेंगे और शब्द बनेगा कैलाश 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 स र। अब यहां पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? ए की मात्रा। यह ए की मात्रा है और शब्द लगाएंगे ए की मात्रा स र शेर र सर शेर सर शेर। बैंगन बैंगन न बैंगन बैंगन में ब में हम दो मात्रा यानी अ की मात्रा लगाएंगे और ऊपर हमें बिंदु भी लगाना है। ब ग न बनेगा बैंगन न। स ब ना स ब ना। अब यहां पे हम कौन से वर्ण अपेक्ष लगाएंगे मात्रा? पहले तो हम लगाएंगे ए की मात्रा और ए की मात्रा लगेगी व के ऊपर, स के ऊपर नहीं लगेगी, व पे लगेगी। तो शब्द बनेगा सवेरा सवरा सवेरा सवरा सवेरा। अब आगे है ख ल ख ल। तो यहाँ पे जो ख है ख पे हम लगाएंगे ए की मात्रा और शब्द बनेगा खेल खल खेल खल खेल। विषला तो यहाँ पे हम श पे ऐ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा विषला विषला विषला। अब हम फिर से उसका पठन कर लेते हैं। तल ते तल ते तल ते तर ते कला केला कला केला। सब सिर पड़ पेड़ पैसा पैसा कसा कैसा बट बैट बट बैट बर बैट बर बैट। पदल पैदल मज नीच मदान मैदान कलाश कैलाश सर शेर बगन बैंग न सवरा सवे रा खल खेल विषला विषयला। तो ऐसे आपको एकी और एकी मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर टू बी। सभी शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कई शब्द दिए हुए हैं, नीचे हमें ब्लैंक्स दी हुई है, हमें शब्द ब्लैंक्स पढ़नी है और ब्रैकेट में से शब्द ढूंढना है और हमें नीचे लिखना है। चलिए पहला है ब्लैंक्स। देश की रक्षा करते हैं। ब्लैंक्स देश की रक्षा करते हैं। बच्चों देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक। कौन करता है? सैनिक। तो हम यहाँ पे ढूंढने के ऊपर सैनिक कहाँ लिखा हुआ है, तो यह आपका सैनिक। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सेकेंड रीता ब्लैंक स्कूल जाती है। रीता ब्लैंक स्कूल जाती है। रीता कैसे स्कूल जाती है? तो हम ढूंढेंगे पैदल। हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे रीता पैदल स्कूल जाती है। तीसरा है रोहन ने ब्लैंक्स कर नदी पार की। रोहन ने ब्लैंक कर नदी पार। रोहन ने कैसे नदी पार की? नदी हम कैसे पार करते हैं?
ते अंतर। तो हम यहाँ पे ते शब्द ढूंढेंगे, जरा हमारा ते शब्द, और हम लिखेंगे रोहन ने तैर कर नदी पार की। फोर्थ, मोहन ने ब्लैंक्स भर सब्जी खरीदी। तो मोहन ने क्या भर के सब्जी खरीदी? मोहन ने थैले भर सब्जी खरीदी। तो थैला है, थैला भर कर सब्जी खरीदी। तो यह आपका थैला, मोहन ने थैला भर सब्जी खरीदी। फिफ्थ नंबर, आज ब्लैंक्स है। हम यह पाठ में पठन करने के टाइम पढ़ चुके हैं कि आज क्या है। आज बैसाखी है। अब हम बैसाखी ढूंढेंगे। बैसाखी शब्द, बैसाखी शब्द, आज बैसाखी है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। रीता पैदल स्कूल जाती है। रोहन ने तैर कर नदी पार की। मोहन ने थैला भर सब्जी खरीदी। आज बैसाखी है। आगे, ब्लैंक्स रेलगाड़ी से आई है। अब हमने पठन किया था, तब हमने पढ़ा था कि रेलगाड़ी से कौन आई है। तो रेलगाड़ी से रैना आई है। रैना, रैना रेलगाड़ी से आई है। ब्लैंक्स आई, माला आई। यह हम कविता में पढ़े थे, दो आए थे केला खरीदने के लिए। तो ब्लैंक्स में लिखा है आई। कौन आया? सीता आई। यह सीता, सीता आई, माला आई। साथ में ब्लैंक्स रुपये लाई। वो कितने रुपए अपने साथ लेके आई थी? 10 रुपए। तो कहाँ पे है यह? 10। साथ में 10 रुपए लाई। ब्लैंक्स पर थैला रख। हमें कहाँ थैला रखने के लिए बोला गया था? मेज पर। मेज शब्द, मेज पर थैला रख। हाथ, ब्लैंक्स एक गवैया है। अब गवैया कौन था? कैलाश एक गवैया है। तो हम कैलाश का ढूंढे। यह कैलाश, कैलाश एक गवैया है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। रीता पैदल स्कूल जाती है। रोहन ने तैर कर नदी पार की। मोहन ने थैला भर सब्जी खरीदी। आज बैसाखी है। रैना रेलगाड़ी से आई है। सीता आई, माला आई। साथ में 10 रुपए लाई। मेज पर थैला रख। कैलाश एक गवैया है। 11 नंबर, उसकी आवाज ब्लैंक है। उसकी आवाज कैसी है? कौन गवैया था? कैलाश। उसकी आवाज कैसी है? मीठी है। यह मीठी, उसकी आवाज मीठी है। देखो ब्लैंक्स आया। कौन आया था? केले वाला। देखो केले वाला नंबर। थैले में खाली जगह भी लाई है। थैले में क्या लाई थी? बैंगन। थैले में बैंगन भी लाई है। 14 नंबर, ब्लैंक्स पीले केले लाए। अब केले वाले 2 रंग के केले लाए था, पीले लिखा हुआ है। अब और कौन सा था? हरे। हरे पीले केले लाए। 15 नंबर, खरीद कर ब्लैंक खाए। क्या खरीद कर खाया? केला। खरीद
तो बच्चों ऐसे आपको ब्रैकेट में से फाइंड आउट करने हैं और इसमें आपको आंसर लिखना है। तो इसके लिए आपको अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से अपने आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू।